आज परीक्षा के नजदीक होने की वजह से मैं गणित की मैराथन क्लास शुरू कर रहा हूँ। यह क्लास 3 घंटे में संपूर्ण गणित होगा और इसे मैं 2 या 3 पार्ट में शुरू करूंगा। तो मैं शुरू करूंगा जो गणित, तो उठाता हूँ परसेंटेज, एक चैप्टर उठाता हूँ प्रतिशतता। इसके आधार पर, प्रतिशत के आधार पर हम लोग 4 से 5 अध्याय पढ़ेंगे। कितने अध्याय? 4 से 5 अध्याय। प्रतिशतता के आधार पर हम लोग लाभ हानि के बाद बट्टा, लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और कुछ आयतन के और क्षेत्रफल के और अनुपात के, आगे की क्षमता के और परसेंटेज के साथ साथ दशमलव को, इन सभी अध्याय को एक साथ जोड़कर हम पढ़ेंगे। तो अब तुरंत आप लोग कापी कलम उठा लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ, क्योंकि इस क्लास की स्पीड तेजी रहेगी, इसीलिए इस क्लास का नाम ही है मैराथन गणित। तो शुरू करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज जो अध्याय होता है वास्तव में बहुत सरल अध्याय है गणित में। इसके ये सभी गणितों की जननी मेरे हिसाब से या उसका वह पिटारा है जहां से मैं गणित की प्रारंभ करता हूं। तो उस परसेंट क्या है समझ लीजिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कुछ बातें समझ लेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। हर वस्तु अपने आप में 100 होती है। किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की चौड़ाई, किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की उम्र और आपकी इनकम और इस बोर्ड की लंबाई, माने हर चीज, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कोई भी चीज होता है वह अपने आप में 100% होता है। किसी व्यक्ति की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु का क्षेत्रफल, आयतन, यह सभी अपने आप में 100% होता है। अगर उसमें वृद्धि, परसेंट वृद्धि का मतलब 100 से ज्यादा, यदि कह दिया कि एक गाड़ी की चाल में 20% की वृद्धि हो गई, माने गाड़ी की चाल पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 120। यदि कह दिया किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, कमी माने पहले वस्तु 100 की थी, अब कितनी हो गई? 90। तो माने 100 में ही अगर वृद्धि होगी तो प्लस करते हैं और हानि होगी तो माइनस करेंगे। तो जितना भी परसेंटेज का मतलब ही है प्रति और शत, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है 100 में कितना, माने हाउ मैनी इन 100, 100 में कितना होता है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना, प्रतिधन सत, माने 100 में कितना। यही आधार सुन के चलिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रतिशत को एक सिंबल से रिपीट करते हैं जिसका चिन्ह है ये, यह प्रतिशत का चिन्ह होता है। यह चिन्ह जिसके जिस चर या अचर राशि के दाईं तरफ लग जाता है उसका हर सदैव 100 हो जाता है। जैसे लग गया x परसेंट, इसका मतलब होगा x बटे 100, माने यह चिन्ह जिस पद या अक्षर की दाईं तरफ लग जाता है उसका हर डिनोमिनेटर सदैव 100, मतलब हमेशा 100 होता है। चलिए अब किसी भी प्रतिशत को, एक हेडिंग बनाइएगा, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सदैव 100 से भाग देते हैं। जैसे कह दिया 20%, तो 20% को अगर बदलना है क्या करेंगे, जैसे हो गया ये आपका 20%, ये हो जाएगा 20/100, कट क्या जाएगा कितना, 1/5, कितना हो जाएगा 1/5। तो हम इसे कह सकते हैं कि 20 मतलब किसी भी भिन्न को, किसी प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए सदैव 100 से भाग देते हैं। जैसे दे दिया 16/2/3%, ठीक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3%, फिर हो जाएगा 50/3^100, फिर क्या हो जाएगा 50/300, फिर कितना हो जाएगा 1/6। माने 16/2/3 को यदि परसेंट बदलेंगे कितना हो जाएगा 1/6। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सदैव 100 से भाग देते हैं। ठीक इसका विपरीत आ जाते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। देखिए कैसे, जैसे लिया था हमने 1/5, गुणा किया 100 से, बढ़ गया कितना आएगा 20%, फिर आया था 1/6, भिन्न परसेंट बदलना है, गुणे 100, कट गया 50/3, 16/2/3%। तो हमें दो बात सीखने को मिली, पहले किसी भी परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए सदैव 100 से भाग देते हैं, दूसरी कंडीशन क्या मिली, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। और इज मल्टीपल इन 100 200। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब भिन्न इसी के आधार पर सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, ध्यान समझिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा कि पढ़ाने के तरीके क्या अलग अलग। मैं पहले एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, फिर बाकी टॉपिक को अलग कर देता हूँ, क्योंकि ये क्लास है मैराथन तो मेरे हिसाब से चलेगी। कैसे मुझे 5 अध्याय को आपको बताना है, तो एक टॉपिक आती है जैसे राम की, ध्यान सुनिएगा, राम की आय श्याम की आय से
10% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो बताइएगा श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है और श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। और अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक होगी। और अगर क्वेश्चन, दो अंकों के गुणनफल में एक संख्या में कुछ परसेंट की वृद्धि हो जाने से गुणनफल शुद्ध अशुद्ध प्राप्त होता है, तो बताइए कि दूसरी संख्या में कितने गुणा कर दे ताकि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। फिर और क्वेश्चन आ सकता है, यदि किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, किसी आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। फिर क्वेश्चन कर दिया, एक त्रिभुज के लंब में 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके आधार में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। माने अगर किसी भी क्वेश्चन के सेंटेंस में पहले कहेगा +% की वृद्धि होगी, उसी प्रश्न में आगे कहेगा कि -% की कमी होगी, अथवा पहले कहेगा -% की कमी फिर पुनः कहेगा +% की वृद्धि, इस कंडीशन का सवाल आएगा तो कैसे लगाएंगे। चाहे जैसा भी हो, चाहे उसकी लैंग्वेज जो भी हो, कुछ नहीं करना है, हमें यह देखना है कि +% है कि -% जिस परसेंट की बात करा। जैसे कह दिया कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो बताइए राम की आय श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक। एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। अब कह दिया कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित। माने एक बार धनात्मक कहेगा एक बार ज्यादा कहेगा एक बार कम कहेगा एक बार ज्यादा। जहां इस प्रकार का प्रश्न दे, कह दिया कि यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, कोई गृहिणी चाय की खपत में कितना परसेंट कमी करे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका है, कुछ नहीं करना, लिखना है आर परसेंट बटे, पहले आर परसेंट लिख देंगे। जैसे कह दिया कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20 माने आर परसेंट 20 बटे 100 प्लस माइनस आर परसेंट, ये बन गया भिन्न। और भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, सदैव 100 से गुणा करते हैं, गुणे 100, बस यह काम खत्म, सारा क्वेश्चन लग गया। ये 100 प्लस माइनस क्या होता है, जब वृद्धि की बात पहले कहेगा तो प्लस और पहले कमी की बात करेगा तो, क्योंकि हमें इसी को लेकर चलना है फर्स्ट वाले को। कह दिया चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो लगाएंगे कैसे, 20 बटे 120, 120 कहां से आया, कह रहा 20% वृद्धि हो गई, तो 100 प्लस 20 120 परसेंट के लिए गुणे 100। कह दिया यदि चाय के मूल्य में या दो एक व्यक्ति की एक आय बी की आय से कितना 20% कम है, तो पहले लिखेंगे 20% कम है, माने 100 में से 20 गया, 80% के लिए गुणे 100 कट गया, आएगा कितना 20%। तो इस तरह के क्वेश्चन आकर आएगा, पहले धनात्मक बाद में ऋणात्मक, पहले ऋणात्मक बाद में धनात्मक कहेगा, तो हम क्या करेंगे, वही जो परसेंट कहेगा परसेंट बटे 100 प्लस माइनस गुणे 100। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया आप सबको, नहीं आया अभी, आ गया, चलिए। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको खूब ध्यान समझिएगा। इसी का एक पैरेलल क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी भी जैसे एक आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि किया गया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि की गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, जा कह दिया या कह दिया एक आयत की लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20%, ऊंचाई में 30% की वृद्धि हुई, इस प्रकार उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इन सब के लिए एक फार्मूला लेकर चलेंगे और वो देखिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कैसे करेगा। देखिएगा, माना पहले 100, किसी वस्तु का अगर कोई मूल्य दिया हो तो क्रय मूल्य, इसे लाभानी भी पढ़ लेंगे। कुल वस्तु का क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। जैसे कह दिया कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दी गई और कुछ दिनों के बाद उसकी वृद्धि में 10% की कमी हो गई, इस प्रकार दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के जब प्रश्न पूछेगा तो पहले माना 100 था, दूसरी बार क्या करेंगे, 100 प्लस माइनस R1 बटे 100 गुणे 100 प्लस माइनस R2 बटे 100
गुणे 100 प्लस माइनस R3 बटे 100 डॉट इस तरह बढ़ता जाएगा, बढ़ते चलिए। अब इसमें कौन से सवाल लगेंगे ध्यान दीजिएगा। कह दिया एक दुकानदार ने अपने वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी, उसकी बिक्री 20% हो बढ़ गई, तो क्या करेंगे? माना वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, तो क्या किया? पहले मूल्य में कमी कितना है 10, तो माने 90/100, बिक्री कितनी बढ़ी 20, 120/100। अब देखिए, अब ये देखना है यह जो उत्तर आएगा ये 100 से ज्यादा या कम, 100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे 12 9 108, पहले 100 था अब कितना हुआ 108, बढ़ा कि घटा? घटा, कितना घटा? कितना बढ़ गया? 8% बढ़ा, घटा तो कितना घटा? बढ़ा तो किससे? इस 100 के कंपेयर में, तो पता चला 100 से 108 हुआ, कितनी वृद्धि हुई 8, तो प्लस 8% की वृद्धि हो गई। अगर यही कह देता कि एक दुकानदार ने या एक आयत की लंबाई में, ध्यान दीजिएगा 100 है, एक आयत की लंबाई में 30% की कमी कर दी गई तो हो जाएगा 70, तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा 80/100, 100 कैंसिल, 8 7 56, तो 56 तो नहीं होगा, ये 100 से कम आया कि ज्यादा? कम, कितना कम? 100 में से 56 गया 44, तो -44% की कमी होगी। इस प्रकार के प्रश्न में क्या हुआ, 44% की कमी हो गई आपकी, समझ में आप लोग को? चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में और आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जिस प्रकार के प्रश्न में अगर किसी भी परसेंट की लगातार वृद्धि या कमी या परसेंट पे वृद्धि या कमी होती है तो इस तरह के फॉर्मूले का यूज करेंगे। यूपीटेट में कई बार प्रश्न 2 से 3 बार पूछ चुका है। एक वस्तु का मूल 450 रुपया था, पहले उसमें 5% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों के बाद 10% की वृद्धि हुई, इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? यदि वस्तु के मूल्य के बारे में कोई चर्चा नहीं करता तो माना उसका मूल्य क्या था 100, क्वेश्चन लगा के हम परसेंट में उत्तर ला देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी फार्मूले, एक प्रश्न और लगता है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे कह दिया कि यदि किसी भी, चलिए मान लेते हैं एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब तो कहेंगे वर्ग की भुजा एक दिया है, तो जब जैसे दे दिया माना 100, अब वर्ग का फार्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुसा। जब किसी भी प्रश्न में कोई एक भुजा दे दे और उसके क्षेत्रफल के बारे में पूछे, चाहे वो वृत्त का दे, चाहे व्यास दे, चाहे त्रिज्या दे, चाहे आप वर्ग की भुजा दे, चाहे समबाहु त्रिभुज की कोई भुजा दे, तो उस कंडीशन में हम 2 वर्ग गुणा करेंगे। कैसे? कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि कर दी गई, तो 120/100 × 120/100। लेकिन ये आयतन की बात करता तो 3 बार, क्षेत्रफल की बात करेगा 2 बार, नहीं दिया है तो अगर आयतन की बात कह दिया कि एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी गई तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 3 बार कह दिया, तो माना 100 × 110/100 × 110/100 × 110/100। इस तरह से क्या करेंगे, हम लगातार बढ़ते जाएंगे। आपको समझ में आया? अगर कह दिया कि एक बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया, तो त्रिज्या 2 बार होती है, तो 20% माने 120/100 × 120/100, और उसकी ऊंचाई में 40% कमी कर दी तो माने 60/100। इस तरह से क्वेश्चन लगा लेंगे हम, समझ में आप लोग को? चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। इसी पे हम पढ़ लेंगे चाहे तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लेगा? यदि 10,000 रुपया धनराशि, ध्यान दीजिएगा, यदि 10,000 रुपया की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाए तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि में से धन क्या होगा? बस यही कॉन्सेप्ट। जहां पे 100 मानते थे वहां पे मूलधन दिया है, कितना था 10,000 रुपया की धनराशि थी, गुणे कितना परसेंट 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि में से धन क्या होगा? तो पहले वर्ष का ब्याज 110/100, दूसरे वर्ष का 110/100, तीसरे वर्ष का 110/100, अब क्या आएगा 13,310 रुपया, ये क्या हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन। ब्याज पूछेगा कितना, इससे ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही क्या हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? अब और आगे बढ़ते हम लोग, समझ में आ रहा है ना? चलिए, क्योंकि ये थोड़ी मैराथन क्लास है, स्पीड से चलनी होगी हम लोग को। अब आ जाते हैं कि एक इसी बेस पर भी चल रहे हैं। अब
यह आप लोग को समझ में पूरी तरह से मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब इसी पे पहले इसी का लाभ हानि का प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसी पे भट्टे का प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे कह दिया कि किसी 10% 20% 30% के समतुल्य बट्टा के बट्टा के समतुल्य बट्टा होगा। बट्टा माने छूट, बट्टा माने क्या होता है छूट। अब क्या होगा 10% बट्टा माने माना पहले मूल्य 100 था, 10% बट्टा माने 90/100, 20% बट्टा माने 80/100, 30% बट्टा माने 70/100। पूरा काट दीजिए, गुणा करके एक अंक में लगा दीजिए, 100 से जितना कम होगा वही क्या होगा आपका बट्टा। ठीक, या सॉल्व आप कर लीजिएगा, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। मैं बताना था बट्टा माने छूट। अब कह दिया एक दुकानदार ने अपने वस्तु के मूल्य में 20% का बट्टा दिया जिससे बिक्री 10% बढ़ गई। सेम फार्मूला, मानो उसका 100 रुपया मूल्य था, कितना 100 रुपया था, उसने बट्टा कितना दिया 20 माने 80 बट्टा, उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई 10% 110 बट्टा 100, 100 से कैंसिल, लड्डू लड्डू से कैंसिल, 1188 माने 12% की कमी। 100 से कम आएगा तो माइनस नकारात्मक, 100 से ज्यादा आएगा तो अधिक। अब इसी पे आता है, यदि एक नगर की जनसंख्या 5000 थी, ध्यान दीजिएगा, यदि एक नगर की जनसंख्या 5000 थी उसमें प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन, नगर की वर्तमान जनसंख्या 5000, कितना बढ़ रहा है 10% दर से 110/100, 3 वर्ष 110/100 बूढ़े 110/100। अब जो आएगी नगर की जनसंख्या होगी। या कह दिया कि 2010 में एक नगर की जनसंख्या 5000 थी, पहले वर्ष 10% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष भी 10%, तीसरे वर्ष 10%, और 2013 में नगर की जनसंख्या क्या होगी ऐसे कर देंगे। या कह दिया 2010 में 5000 जनसंख्या थी और 2010 में 10% वृद्धि हुई, 11 में 10% कमी हुई, फिर 12 में 5% की वृद्धि हुई, फिर 13 में 10% की वृद्धि हुई, तो जहां वृद्धि वहां प्लस, जहां कमी हुई वहां माइनस करके लाएंगे, जो होगी वर्तमान जनसंख्या बचेगी। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक नगर की जनसंख्या एक जगह की जनसंख्या पता नहीं क्या थी, एक नगर की जनसंख्या में 10% या 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि के पश्चात 3 वर्ष में 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या 9261 हो जाती है, तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। सही बात, अब अभी तक हम लोग उत्तर ला रहे थे, अब क्या दिया है कि जनसंख्या क्या थी नहीं पता, लेकिन जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होने के बाद 3 वर्षों के बाद जो जनसंख्या आती है वो 9261, तो मान लो क्या थी यक्ष थी, यक्ष गुड़े कितना वृद्धि 105%, 105/100, फिर बढ़ा 105/100, फिर गुड़े 105/100, 3 वर्ष के बाद कितनी जाती है 9261। सेम क्वेश्चन, पहले पता नहीं था, माना यक्ष थी, कितना बढ़ा 5% 105/100, फिर 5% 105/100, फिर 5% 105/100, अब कितनी हो गई 9261। अब इसी को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करेंगे जिसका उत्तर आएगा आपका कितना 8000। कैसे आएगा ये काटेंगे, 21/20 21 का क्यूब होता है 9267 का जाएगा 20 क्यूब 8000 बराबर 8000। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। चलिए अब आते हैं आय व्यय पे आधारित प्रश्नों का। आय व्यय पे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जैसे जो किसी व्यक्ति की इनकम होती है अपने आप में 100% होती है, एक व्यक्ति अगर एक महीने की वह 30% बचत करता है, कितना 30% बचत करता है, 30% बचत करता है तो मूल्य कितना होता है 30% का जो बचत करता है। मान लीजिए कह दिया कि जो बचत करता है वो 7290 रुपया, वह 30% बचत करता है जो है 7290 रुपया, उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। तो कोई व्यक्ति कितना बचाता है 30% बचत करता है वो कितना है 7290 रुपया, सीधा सीधा तो 30% बराबर 7290। यही आयकिक नियम शुरू, यदि मासिक इनकम पूछेगा, इनकम अपने में 100% गुणे 100, इसका जो उत्तर रहेगा वही व्यक्ति की मासिक इनकम होगी। आगे बढ़ा जाए, अब आता है इसी पे, कह दिया एक व्यक्ति ने अपने कुल आय का 10% भोजन पे, 15% शिक्षा पे और 20%
अन्य खर्च किया, इसके बाद यदि उसकी बचत इतना रुपया है तो उसने इस पे कितना खर्च किया। तो देखिए इसमें इस प्रश्न में क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है, कभी कभी का प्रयोग करता है, कभी शेष का, तो लेकिन क्रम से कर रहा है, पहले 10% फिर 15% फिर 20% खर्च किया। अब वह महीने की, अब वह क्या करता है, यदि वह महीने की 1100 रुपया या 11000 रुपया बचाता है तो उसकी व्यक्ति की इनकम क्या है। कहा यदि राम 10% भोजन पे, 15% शिक्षा पे, 20% घरेलू मद पे खर्च करता है और वह महीने के अंत में 1100 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। कुछ मत करिए, वह कुल कितना खर्च करता है जोड़ दीजिए तो पता चला उसका खर्च कितना, 45% खर्च करता है, तो 45% जब खर्च करता है तो बचाया कितना, 55%, और ये क्या उसकी 55% बचत है, तो 55% बराबर 1100, तो 1% बराबर 5500 बटे 1100 बटे 55, कुल आय पूछेगा 100, भोजन पूछता 11, अन्य वस्तु पूछता 15, घरेलू पूछता 20, माने जिसका पूछेगा उसका क्या करेंगे हम मल्टीपल कर देंगे, हो गया समझ में आ रहा आप लोग को। लेकिन इसी प्रश्न में क्या देता कि यदि मान लीजिए गौरव अपनी मासिक आय का, ध्यान सुनिएगा, 50% भोजन पर, शेष का 40%, ध्यान दीजिएगा, शेष का 40% शिक्षा पर, फिर शेष का 20% पे, और उसके बाद वो इतना बचत करते हैं। जब शेष का शब्द का प्रयोग करता है तो क्या करते हैं, गुणा प्रयोग करते हैं, 50 शेष का या 50 का 20%, 50% में 50 का 20 बटे 100, फिर जितना आएगा शेष का, इस प्रकार से परसेंटेज जोड़ेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब शेष का प्रयोग करेगा तो दिए गए परसेंट का गुणा करके लगाएंगे, और अगर लगातार शेष शेष का दिया है तो जैसे हम लोगों ने पढ़ते आए लगातार गुणा करते हुए जाएंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे, बचत लिख देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए अब आते हैं चुनाव पे आधारित प्रश्न। चुनाव पे क्या होता है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, और जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया, तो उस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। बहुत आसान है, कुल मतदाता, जैसे पहले क्या करेंगे, कुल परसेंट अपने आप में 100 था, जीतने वाले कितना मिला, 55, जीतने वाले को देखिए कुल मत परसेंट होता अपने आप में 100, जीतने वाले को मिला 55, तो हारने वाले कितना मिलेगा, भाई एक पाया है 55 और एक पाया है 45, तो जीते को 55 वाला किससे, 45 से, कितना परसेंटेज से जीतेगा, 10% से, और यही कह रहा है कि 1100 मत से चुनाव जीता, इसी कह रहा है 1100 मत से चुनाव जीता, कैसे भैया ये 55 पाए, हारने वाला कितना पाएगा, 45 पाएगा, और ये 55 पाया 45 पाया, कौन जीता, 55 वाला, कितना परसेंट से, 10% से, 10% बराबर 1100, 1% बराबर 1100 बटे कुल मतदाता पूछेगा 1100, क्या देता हारने वाला 45, बस ऐसे चुनाव में क्या देता अवैध मत, तो पहले अवैध घटा के तब सॉल्व करते, बस यदि हारने वाले की संख्या देता हारने वाले रखते, जो कहेगा उसी आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए और आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, चल अब आते हैं ये लाभानि पे भी लग जाएगा और आपको यहाँ पे लग जाएगा, लाभानि भी कैसे लगेगा, परसेंटेज कैसे लगेगा, दोनों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर कह दिया एक वस्तु का मूल 600 रुपया से बढ़कर 720 रुपया हो जाए तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। फिर अब लाभानि पे ये प्रश्न बोल देते हैं, 600 रुपए की एक वस्तु को लाकर एक दुकानदार 720 रुपए में बेचता है तो कितने रुपए का या कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो पहले लाभानि बता दे, लाभानि में कुछ शब्द होते हैं, लाभानि शब्द क्या होता है, एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, फिर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय अब जिस वस्तु पर मूल्य को बेचा जाए, फिर एक होता है अंकित मूल्य, अब कहेंगे अंकित मूल्य क्या होता है, अब भैया इस मार्कर पे अगर 25 रुपया अंकित किया गया जिसका मूल्य कितना होगा 25 रुपया, लेकिन वास्तव में दुकानदार से अगर 23 का बेचता है तो कितने हो गया विक्रय मूल्य। फिर इसी में होता है लाभ और हानि, क्या होता है लाभ और ये लाभ हानि कैसे निकलता है, यदि क्रय मूल्य से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर धनात्मक आता है,
धनात्मक माने विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे यदि धनात्मक उत्तर आएगा तो लाभ, ऋणात्मक आएगा तो हानि। आप सब जानते होंगे लाभ भाई 100 रुपए का लाके 110 का बेचे लाभ और 80 का बेचे तो हानि हुआ, तो ये लाभ हानि हो गया। लाभ हानि को साथ साथ एक होता उपरिव्यय, उपरिव्यय क्या होता? जैसे आपने एक मोबाइल लिया, किसी व्यक्ति से मोबाइल लिया 1500 रुपए का, और 1500 रुपए मोबाइल लेने के बाद उसको मोबाइल कुछ खराबी थी, आपने उसे 200 रुपए देके बनवाया और उसे 2000 में बेचा, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने रुपए का लाभ हुआ? 1500 का लिया अब 2000 का बेचा, आप तो कहेंगे सर 300 का लाभ हुआ, कैसे? 200 रुपए जो बनवाई दिए, तो जो बनवाई हो वो क्या हो गया? उपरिव्यय हो गया। उपरिव्यय क्या हो? जैसे कोई सामान की रिपेयरिंग कराना, परिवहन खर्च। अब जैसे एक सामान आप अपने घर से बाजार से लाके घर बेचते हैं, 10 रुपए का सामान 2 रुपया भाड़ा दिए और 15 का बेचे, कितना लाभ हुआ? वास्तविक लाभ 3 रुपया। तो 2 रुपया जो किराया दिया क्रय मूल्य में जुड़ेगा, तो उपरिव्यय हमेशा क्रय मूल्य में जुड़ता है। सो मैं आप लोग को अब ऐसे 2500 रुपए का बेड लाया, 300 रुपए में ढुलाई दिया, अब 2-3 हजार रुपए का बेच दिया, क्या लाभ कितना हुआ? 200। तो जो ढुलाई दिया आपने वो क्या हो गया? उपरिव्यय हो गया। अब आते हैं प्रश्न पे। 600 रुपए मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार 720 रुपए का बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? अब देखिए 600 रुपए की वस्तु कितने बेच रहा है? 720 में। ये पहला मूल्य है अंतिम मूल्य, तो 600 में लेके 720 बेचा, फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ? ध्यान दीजिएगा 120 रुपए का, कितने में? 600 में। परसेंट के लिए 100 उत्तर आ जाएगा 20%। देखिए 2 लाख कट गया, 6 × 12 प्लस क्यों लगाया, मतलब लाभ को बढ़ता सा, इसलिए मैंने ये लगा दिया। ठीक, अब कह दिया कि 600 रुपए की एक वस्तु में एक दुकानदार 20% लाभ लेकर बेचना चाहता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? और यही प्रश्न परसेंट में आ जाएगा कि 600 रुपए की वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए तो वस्तु का नया मूल्य क्या होगा? फिर देखिए अब इसमें क्या करेंगे, 600 रुपए हो गया, अब 600 रुपए में क्या कर रहा है? 600 का 20% का माने गुणा, तो 600 का 20% क्या हो जाएगा? 20% वृद्धि माने 100 से ज्यादा 120 बटा 100, लड्डू कट गया 12×72 720 रुपया। फिर इसी में कह दिया एक क्वेश्चन, एक वस्तु के 20% मूल्य वृद्धि के पश्चात यदि वह 720 रुपए में बिकता है तो उसका क्रय मूल्य क्या था? अब देखिए सेम इसी पर लगेगा, क्रय मूल्य नहीं पता था, क्या करेंगे? माना क्रय मूल्य 100 रुपया था, अब क्या हुआ? 20% वृद्धि हुई, वृद्धि माने 100 से ज्यादा, 120 बटा 100 बराबर कितना हुआ? 720 काटेंगे तो आएगा 600 रुपया, 100 बराबर 600 रुपया। बस अब इसी पे पूछ देगा क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ आप लगाइएगा, एक वस्तु 2100 रुपए की एक वस्तु में 5% कमी हो गई, वस्तु का विक्रय मूल्य बताए। एक 2100 रुपए की वस्तु को 995 रुपए में बेचा जाता है, कितने परसेंट की कमी हुई? और एक वस्तु को कुछ परसेंट कमी के बाद 995 रुपए बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ये हो गया आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और परसेंटेज पर आधारित प्रश्न। अब आ जाते हैं फेल पास पे। फेल पास पे देखिएगा, एक फेल पास से बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। जैसे कह दिया कि राम कोई परीक्षा में न्यूनतम 33% उत्तीर्णांक था, कितना था? 33% उत्तीर्णांक था, वह 90 नंबर प्राप्त करके 9 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? बस ये प्रश्न पूछेगा, इसी टाइप का पूछेगा, मैं थोड़ा सा घुमा दिया। तो क्या किया कि एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना था? 33% था। रामू क्या करता है? 90 अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, माने अगर वो 9 नंबर और पा जाता तो परीक्षा क्या होता? पास हो जाता। हम लिखेंगे 33% बराबर 99, 1% बराबर 99/33 पूर्णांक, अपने आप में 100 × 100 = 33 × 99 = 300। एक तरीका ये हो गया लगाने का। फिर और आगे देखते हैं, फिर एक टाइप का प्रश्न आता है, कह दिया कि राम एक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक से इतना नंबर कम पाया, एक अधिक पाया, एक कम और एक अधिक पाता, तो दोनों अंकों का योग करके परसेंटेज से भाग कर गुणे 100 कर देते हैं, पूर्णांक निकल जाता है। और अगर दोनों पास हो, दोनों फेल हो, तो दोनों परसेंटेजों का अंतर अंकों का अंतर बटे परसेंटेज का अंतर गुणे 100 करेंगे, पूर्णांक आ जाएगा। उसी से न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल के अपमान ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये हो गया आपके पूरे परसेंटेज का। लाभ हानि का सवाल क्या था, इसी पे हम बोल सकते हैं, लाभ हानि का सवाल सेम इसी पैटर्न बोलेंगे, तो लाभ हानि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसी आधार पर लगेगा, तो परसेंटेज लाभ हानि सवाल इसी पे लग जाना था। अब आता है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है?
साधारण ब्याज की गणना सदैव वार्षिक की जाती है, साधारण ब्याज की गणना सदैव वार्षिक की जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जरूरी नहीं कि वार्षिक की जाए। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज एक ही दर पर सदैव ब्याज मिलता रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ही ब्याज मिलता रहता है। ठीक, अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका पहले अर्थ समझ लीजिएगा। एक होता है मूलधन, फिर एक होता है दर, एक होता है समय, एक होता है ब्याज, एक होता है मूलधन, मूलधन हो गया सॉरी, एक होता है मिश्रधन। इतना सब समझ लीजिए, मूलधन वह धन जो किसी को दिया जाए, किसी से लिया जाए, बैंक द्वारा लिया जाए, बैंक द्वारा दिया जाए, क्या होता है मूलधन। फिर क्या होता है दर, दर क्या होता है जिस राशि, जिस वार्षिक दर पर या जिस दर पर जो धन लिया या दिया जाए वो दर हो गया, जितने समय के लिया जाए वो समय हो गया। ब्याज क्या होता है मूलधन, मूलधन और मिश्रधन का जो अंतर होता है, या जब मूलधन से जो राशि कुछ बढ़ाकर या कुछ घटा कर दी जाए तो क्या होता है ब्याज, वैसे ब्याज से तो धनात्मक प्राप्त होता है लेकिन मैं इसमें कुछ और चीजें जोड़ता इसलिए मैं नहीं बता दिया। मिश्रधन क्या होता है जब मूलधन और ब्याज सम्मिलित रूप से मिलाकर लौटाया जाए तो मिश्रधन हो जाता है। और मिश्रधन में से अगर मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया जाए तो क्या बचेगा ब्याज बचेगा। इसको निरूपित करते हैं, मूलधन को हम पी से, दर को आर से, समय को टी से, ब्याज को अगर सिंपल इंटरेस्ट है एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट है तो सीआई, मिश्रधन को ए से। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे ब्याज, अगर मिश्रधन में से अगर हम क्या घटा दिए ब्याज तो क्या मिल जाएगा मूलधन, और अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दिए क्या निकल जाएगा मिश्रधन। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी का हम लोग प्रयोग करके पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अब एक प्रश्न आएगा, लिखिएगा कि ₹500 की धनराशि जो मान लीजिए 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब ये पांच, जैसे ₹500 की धनराशि 5% की दर से 3 वर्ष, ये परसेंट हो गया, हमने परसेंट पढ़ा था। एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, देख लीजिएगा साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो एस आई निकालना है तो 500 गुणे 5 गुणे 3 बटे 100 कट गया, 5×5=75 रुपए क्या हो गया ब्याज हो गया। अब यही प्रश्न को पलट दिया कि 500 रुपए वह धनराशि क्या होगी, या वह धनराशि क्या होगी जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपया होता, कुछ मत करिए सेम रख दीजिए। साधारण ब्याज क्या 75 रुपया, मूलधन नहीं पता है 500, दर नहीं पता है तो पी, और दर 5, समय 8×100 आ दिया 3%, 3 वर्ष, 5 और 3 दिया है तो 5×15=75, 100×500 बराबर पी। ठीक, तो बस इधर उधर करके रख सकते। हाँ, एक प्रश्न इसमें कभी कभी घुमा के पूछता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा वह धनराशि क्या होगी, वह धनराशि क्या होगी जो 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद क्या हो जाती है 575 रुपया हो जाएगा। जरा आप लोग लगाइएगा, वह धनराशि क्या होगी जो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 575 रुपया हो जाएगा। जब इस तरह के फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब आपको ये नहीं पता साधारण ब्याज क्या होगा, जब हो जाए कहता तो मिश्रधन होता है, तो हमें फॉर्मूला क्या पता है मूलधन ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे 575, अगर 575 में से 575 रुपए में से क्या घटा दे ब्याज मिल जाए मूलधन पी, घटा दिया क्या मिल गया ब्याज, तो ब्याज बराबर मूलधन नहीं पता है मूलधन 5×3/100, यही सॉल्व कर देंगे पी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा मूलधन आपका याद है कैसे, ये कट जाएगा ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 575, ये माइनस पी उधर जाएगा प्लस पी, तो ये हो जाएगा 3p/20, इधर आएगा तो धन पी, तो 20p 20 और एक 3 575 बराबर 20 × 1 = 23p/20, 23 से काटेंगे तो 23 × 46 कितना बचेगा 46 × 11 = 23, 5 ये 5 होएगा तो 25×50, तो P बराबर 25×20=500 रुपया। वही क्वेश्चन था, आराम से आप लगा लीजिए, समझ में आ गया आप लोग को, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक आता है, ये समझ लीजिए कि चार इसे घुमाएगा आप कर लीजिए,
फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। कह रहा है कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कोई धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी माने 2n हो जाती है, 5 वर्ष में दोगुनी, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, और तो कितने वर्ष में वह अपने की 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है, सीधा फार्मूला ये होता है, पहले T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। कह रहा है वो 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्षों में 2 गुनी माने 2 माइनस 1 बटे कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, नहीं पता, 4 गुनी माने 4 माइनस 1। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 बटे T2 दो में से गया 1 बटे क्या हो गया 3, त्रिया गुणा करेंगे तो 5 T2 बराबर 5 × 3 = 15, तो 15 वर्ष में अपने क्या हो जाएगी 3 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, ये फॉर्मूला क्या है, T1 बटे T2 N1 माइनस 1 N2 माइनस 1 हो गया। चलिए फिर साधारण ब्याज के प्रश्न में भी कभी कभी डायरेक्ट दिन दे देगा, इतना तारीख इतना जनवरी से लेके इतना तारीख के बीच में कितना ब्याज होगा, तो याद रखिएगा जब दिन को काउंट करेंगे तो हमेशा क्या आता है, हमेशा गणना करते समय इसकी गणना वार्षिक की जाएगी। तो जैसे कह दिया जब दिन देगा तो या तो 73 दिन आएगा आपका, या तो 146 दिन आएगा, या तो 219 दिन आएगा, या तो 292 दिन आएगा, बस इतने ही दिन आता है। इसको वर्ष में बदलने के लिए इसका बटा 365, इसका बटा 365, इसका बटा 365, इसका बटा 300, तो ये सब क्या हो जाएंगे, वर्ष में बदल जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपको समय जोड़ने में अगर एक आध दिन कम ज्यादा आ रहा है तो ये ट्रिक याद रखिएगा, तुरंत कर लेंगे 73 दिन 146 200 आपका समय बच जाएगा। चलिए और आगे बढ़े हम लोग, अगर कह दिया 2 सही 1/4 वर्ष या 2 वर्ष 8 माह, अगर कह दिया 2 वर्ष 8 माह तो बस इसको लिखेंगे 2 सही 8/12, या तो 8 को क्या बदल लेंगे हम साल में, तो ये माह में 12 से भाग देंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 सही 2/3 वर्ष, 3 × 6 = 2, 8/3 वर्ष हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, आसानी से आप बदल लेंगे। फिर आता है कि कोई धनराशि 2 वर्षों में, 770 रुपये हो जाती है, 770 रुपये हो जाती है, और 3 वर्षों में, या 3 वर्ष मान लेते हैं, 3 वर्षों में वह 805 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है या मूलधन क्या है, तो कुछ मत करिए, 2 वर्ष का मिश्रधन, पहले 3 वर्ष का मिश्रधन पर 2 वर्ष का मिश्रधन घटा दीजिए, 1 वर्ष क्या निकल जाएगा ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज निकालने के बाद आप रख के टेस्ट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि एक धनराशि इतने वर्ष के अपने मूलधन का इतना गुना है तो कितने वर्ष बाद इतना हो जाएगी, तो यही PRT/100 पर रख देंगे आपका उत्तर आ जाएगा। फिर कभी कभी प्रश्न देता है कि एक धनराशि या 800 रुपये की धनराशि 4 पैसे की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये 4 पैसा क्या होता है, जब पैसे की बात कर दे इसका मतलब वो परसेंट की बात कर रहा है, 100% माने 100 में कितना, और पैसा माने 100 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो पैसे में कितना, यदि आसानी से आप कर ले जाएंगे। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, उसमें ब्याज पर ही ब्याज दे होता है, इस पे ब्याज पर भी ब्याज दे होता है, जब ब्याज पर ही ब्याज दे होता है उसके लिए फॉर्मूला आप जानते होंगे, ए बराबर बी 1 + R/100 n, अर्थात इसको लिखते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1 + 10/100 समय। लेकिन मैं जो पढ़ूंगा फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले पर लगेगा, कौन सा फॉर्मूला देख लीजिएगा, हम फोन करेंगे A बराबर P 100 ± R/100 n, जो मैं यूज करता हूँ, बाकी ये फार्मूला है ये किताबें फिर मैं इसका यूज करता हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग हमने परसेंटेज में किया था। तो अगर कह दिया कि 8000 रुपया 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कैसे लगाएंगे, ए पता नहीं है, ए पी 8000 रुपया गुणे 100 ± कभी कभी अगर रुपए का अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस, और वृद्धि हो रहा है तो प्लस 5%, 105 बटे कई वर्ष के 3 × 3 काट दीजिए तो हो जाएगा 21 हो जाएगा 20, फिर लग गया आसानी से, अब इसे लगाना है तो हो जाएगा
ए बराबर 8000 गुणे 21 माने 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे सॉरी गुणे ना 20 गुणे 20 गुणे 20 कड़े काट दिया ए बराबर 21 गुणे 21 गुणे 21 क्या हो जाएगा 9261। तो इसका मिश्रधन क्या हो जाएगा 9261। अब मूलधन 8000 मिश्रधन 9261 रुपया, तो ब्याज कितना होगा, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिए तो 1261 रुपया। अब इसी में दर गायब कर दिया, आर गायब कर दिया, आर मान लेंगे मान रख देंगे, समय गायब कर दिया रख देंगे। इसी फॉर्मूले पे चाहे जो पैटर्न गायब करेगा उस पैटर्न से आप आसानी से लगा लेंगे। अब दोनों ब्याजों का अंतर कभी दे देता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया, जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि है दोनों ब्याजों का अंतर गुणे मूलधन दर बटे 100 घाते 2 कर दीजिए, जब 2 वर्ष का अंतर दिया हो आसानी से निकल जाएगा। फिर कभी कभी देखिए छमाही तिमाही की बात करता है, इस बात को समझ लीजिएगा शायद आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, छमाही चौमाही तिमाही को ध्यान समझिएगा, कुछ लॉजिक नहीं है। अगर कह दिया कि अगर हम लिखते हैं दर 24%, अगर ब्याज की दर 24% है, अगर इसको छमाही यूज करेंगे छमाही, तो कितना दर हो जाएगा भाई, वार्षिक है 24%, छमाही माने आधा, छमाही माने आधा, एक साल में कितनी छमाही 2 छमाही, तो ब्याज दर क्या हो जाएगा आधा 12%। 1.5 साल में कितनी छमाही 3 छमाही, 1.5 साल में कितनी छमाही होगी 3 छमाही, बताएं कैसे निकालना, लेकिन आप लॉजिकली समझ लीजिए। और अगर 24% दर है तो तिमाही दर कितनी होगी, तिमाही तो निकालेंगे 1 साल में कितनी तिमाही 4 तिमाही, तो 24% को 3 से भाग दे देंगे 4 से, तो कितना आएगा 6%, कितनी तिमाही 6% होगा। समझ में आ रहा आप लोग को, चलिए अगर चौमाही पूछ दिया तो 8%, कैसे 1 साल में कितनी चौमाही होती है 12 साल, एक माह, एक साल में 12 माह होता है भैया, 12/4 कितनी होगी 3 चौमाही, तो उसका दर में भाग दे देंगे 24 अगर है 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 8%। समझ में आ रहा आप लोग को, ये अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अपने आप से, क्योंकि छमाही तिमाही चौमाही दुमाही जितना भी प्रयोग करेगा आप आसानी से निकाल लेंगे। अब पूछ देगा इतने साल में कितनी छमाही होगी कितनी तिमाही होंगी, अब जैसे पूछ दिया कि एक सही 1/4 वर्ष में, एक सही 1/4 वर्ष में कितनी चौमाही होगी, क्या किया एक एक सही 2 सही 3/4 वर्ष ऐसे कह दिया, एक सही 3/2 वर्ष में, एक सही 3/2 वर्ष में, या एक सही 2/3 वर्ष में, जो भी कह दिया है ऐसे कह दिया 2 सही 2/3 वर्ष में कितनी चौमाही होगी, तो क्या करेंगे ये 2 वर्ष ये है इसे बदलने, इसे क्या करेंगे इसे या तो दोनों को भाग दीजिए 3 × 2 = 6, इसको बदलना है अगर माह में तो माह बदल दीजिए, तो बदलेंगे 2/3 × 12, 2 × 3 = 12, ये 4 × 2 = 8 माह हो गया, ये हो गया कितना, ये पहले से कितना है आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष माने 24 × 20, या 3 × 2 = 6, 8/3 वर्ष को 12 से गुणा कर दिए 3 × 3 = 12, तो कितना हो जाएगा 3 × 12 तो 8 × 4 = 32 माह, 32 माह में कितनी चौमाही होगी 4×8 = 32, 8 चौमाही, इसी आसानी से आप चौमाही निकाल लेंगे। और दर भी जितनी चौमाही होती है उसी के हिसाब से दर भी कम और ज्यादा होते हैं, तो छमाही दर होगी भाग 2 से करेंगे, तिमाही होगी 4 से भाग दर में करेंगे, और तिमाही होगी 4 से भाग कर लेंगे। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका, कभी कभी 2 चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देता है, 1-2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना 3 वर्ष कितना है, तो उसकी मूलधन क्या है, दोनों चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर बटे 100। अच्छा एक प्रश्न और देता है चक्रवृद्धि ब्याज में, देख लीजिएगा कोई दर, देख ध्यान समझिएगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने की 2 गुना हो जाती है, 5 वर्षों में अपने की 2 गुना हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपने की 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 2 गुना हो जाती है, 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने की 4 गुना हो जाएगी। तो बहुत आसान इसका लगाना, देखिए 5 वर्ष में कितना हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और कितने वर्ष में 4 गुनी होगी, 4 गुनी माने ये 2 गुनी है,
चार दुनी माने दो घाते दो, कितना बार लगा? दो घाते लगा। इसे गुणा कर देंगे इस वर्ष में, तो पांच गुणे दो बराबर हो 10 वर्ष में अपने की चार गुनी हो जाएगी। जैसे दे दिया प्रश्न कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने की चार गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह अपने की 16 गुनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 16 गुनी माने चार घाते दो, इसको आधार मान लेते हैं, चार घाते दो ये दो, जितनी बार आधार जाता है उससे गुणा दर में करेंगे, 10 गुणे 2 = 20 वर्षों में वह अपने क्या हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो यह तरीका आप याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हमने आपको परसेंटेज, लाभ, हानि, चक्रवृद्धि ब्याज तथा मैं संयुक्त रूप से बता दिया। अब इसकी आप प्रैक्टिस एक बार घर कर लीजिएगा। कल मैं अंग्रेजी के कुछ एक पैटर्न और लाऊंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बाद आपकी जो नई सीरीज दूंगा वो बीजगणित, रेखागणित। एक बीजगणित में एक चैप्टर छोड़ गया था जो अभी पढ़ाई नहीं किया, मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो था ax² + bx + c = 0। यह फिर से धराचार -b + √b² - 4ac पूरे का बटा 2a। इसी फॉर्मूले के दोनों का प्रयोग करके, क्योंकि यहाँ से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था और आने की उम्मीद है, तो एक टॉपिक दिन हम ये लेके आप लोग को बता देंगे। और आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को सभी लोग को शेयर कर दीजिएगा, जितने आपके पास ग्रुप हैं, और उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ, आप लोग पढ़ाई लगातार निरंतर करते रहिएगा। क्लास की स्पीड तेज थी, कारण था ये मैराथन क्लास थी, मैराथन क्लास की स्पीड आपको ऐसे ही मिलेगी। बस आप सब लगातार मेहनत करते रहिए, अपनी जिंदगी का बेस्ट दीजिए, और जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा मत करिएगा, आपकी इच्छा लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और जल्द ही मैं आपको कल परसों दो से तीन वीडियो, कल वीडियो में दोनों वीडियो बना के आपको एकदम कंप्लीट कर दूंगा। और आप लगातार पढ़ते रहिए, भगवान करे आप जल्दी से सफल हो जाए। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।